नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मस्त गार्डनिंग से आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों, आज हम नींबू के पौधे के ऊपर 12 महीने नींबू लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप अपने पौधों के ऊपर 12 महीने नींबू कैसे ले सकते हैं। पहले तो मैं आपको अपना ये पौधा दिखाना चाहता हूं। ये नींबू आ रहे हैं, इस पे ये काफ़ी मोटा नींबू है और ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में नींबू आ चुके हैं और दोस्तों फूल भी आ रहे हैं इस पे। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, ये फूल भी और नींबू भी, ये फूल आ रहे हैं इस पे। दोस्तों इस पौधे के ऊपर जुलाई महीने के अंदर पहली बार फूल आया था 20 जुलाई को, और 20 जुलाई के बाद अभी तक कंटिन्यू इस पर फूल आ ही रहे हैं और ये अप्रैल तक आते रहते हैं। 10 महीने मेरे इस पौधे पे फूल आते रहते हैं और नींबू बनते रहते हैं। अब मैं इसकी देखभाल कैसे करता हूँ, मैंने कहा चलो दोस्तों मैं शेयर कर दूँ। तो बहुत ही सीधा और आसान तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस पे नहीं डालता। केमिकल फर्टिलाइज़र से आपके फूल तो आ जाते हैं कई बार, लेकिन वो नींबू नहीं बनते, वो सारे फूल गिर जाते हैं। लेकिन जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ उससे आपके फूल भी आएंगे और एक भी फूल गिरेगा नहीं दोस्तों। फूल गिरने की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, जितने भी फूल आएंगे वो आपके फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ना तो मैं इस पे NPK डालता हूँ, ना पोटाश डालता हूँ, ना कोई एंजाइम्स डालता हूँ, ना एप्सम साल्ट, कोई भी केमिकल मैं इस पे नहीं डालता, ना DAP वगैरह कुछ भी नहीं डालता मैं इस पे। ये देखो कितनी भारी मात्रा के अंदर इसमें ये फ्लावरिंग हो रही है मेरे पौधों के अंदर। दोस्तों ये तो पौधे का सामने वाला ही मैंने इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर चारों साइडों पे अगर देखूँ तो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में नींबू छोटे छोटे बनने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये मैंने सरसों की खली 4 दिन पहले भिगो ली थी और इसको अच्छी तरह छान के छन्नी से इसके अंदर भर लिया है। और ये सरसों की खली का मैं प्रयोग हर 10-12-15 दिन के बाद इसको कर देता हूँ। दोस्तों हर 10-15 दिन के बाद मैं सरसों की खली का इस पर प्रयोग करता हूँ और इस तरह मेरे पौधे पे ये पूरे साल भर फूल आते रहते हैं। तो दोस्तों ये सरसों की खली है और मैं इसके अंदर ये मेरे पास प्रेशर पंप है, इसकी सहायता से ये सरसों की जो खली है इससे मैं अपने पौधे को बिल्कुल नहला देता हूँ।
तो दोस्तों आपने देख लिया होगा किस तरह मतलब ये इसका प्रयोग करना है। ये प्रेशर पंप की सहायता से आप अपने पौधों के ऊपर सरसों की खली का हर 15 दिन के बाद प्रयोग करें, आपके पूरे साल भर फूल आते रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक भी फूल गिरेगा नहीं दोस्तों। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये पानी के अंदर मैं कुछ ना कुछ पालक के पत्ते या मूली के पत्ते या खीरे के छिलके इसके अंदर मैं मिला देता हूँ। थोड़े 3 दिन पहले मैंने मूली के पत्ते और मूली के छिलके मिलाए थे जो पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके हैं, और ये वाला जो पानी है मैं इनके अंदर देता हूँ। तो इस पानी का ये फ़ायदा होता है कि ये उनको रोज़ डेली कुछ ना कुछ इसकी रूट के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जाते रहते हैं और उसकी वजह से ये अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहता है। इसके अलावा दोस्तों मैं और कोई काम नहीं करता, सरसों की खली और किचन वेस्ट के अलावा मैं इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं करता। मेरे ये पौधे फुल सनलाइट में पड़े रहते हैं और पूरे साल भर नींबू देते हैं और 100-100 नींबू कम से कम लग जाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा चलो आज दोस्तों को शेयर कर दें एक छोटी सी वीडियो बना के, क्योंकि बहुत सी फरमाइश आ रही थी हमारे नींबू नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे। तो जब ये आप प्रयोग करोगे आपके नींबू आने शुरू हो जाएंगे। और हाँ एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूँ, अगर आप इसके चारों साइडों पे अच्छी तरह वर्मी कंपोज वो डाल दें या गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में इसके इस गमले के चारों तरफ अगर आप डाल देंगे तो अच्छी मात्रा में आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों कैसे इसकी फ्लावरिंग हो रही है। ये तो अच्छी तरह दोस्तों ये समझ गए होंगे आप, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं हर एक का जवाब देता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलेंगे।